हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं यंग हैंड्स एंटरप्रेन्योर, फिटनेस फैशन एंड लाइफस्टाइल यूट्यूबर रणबीर अलाहाबादिया के बारे में। आप सब रणबीर अलाहाबादिया या बियर बाइसेप को तो जानते ही होंगे या शायद आप उन्हें फॉलो भी करते होंगे। दोस्तों, रणबीर का जन्म 2 जून 1993 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता गौतम अलाहाबादिया व माँ स्वाति अलाहाबादिया दोनों ही प्रोफेशन से डॉक्टर हैं। रणबीर ने अपनी स्कूल एजुकेशन धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल व कॉलेज द्वारकादास जे सांगवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कंप्लीट की। रणबीर बचपन से ही एक समझदार व पॉजिटिव सोच वाले बच्चे रहे हैं, जो कि छोटी छोटी चीज़ों से मोटिवेट हो जाया करते थे। स्कूली पढ़ाई में वे अपने क्लास के टॉपर्स बच्चों में आया करते थे। वह स्कूल की हर एक एक्टिविटी में पूरी एक्टिवनेस के साथ हिस्सा लिया करते थे। बचपन से ही रणबीर को फुटबॉल व बास्केटबॉल खेलना अच्छा लगता था। वे अपने पिताजी के साथ हमेशा इंडियन क्रिकेट टीम की बैटिंग देखना पसंद करते थे। बचपन से ही उन्हें कुकिंग व ट्रेवलिंग का भी शौक था। वे बताते हैं कि वे अपने स्कूल के किसी भी पिकनिक ट्रिप को कभी मिस नहीं किया करते थे। 13-14 साल की उम्र तक आते आते रणबीर को वीडियो गेम खेलने की लत लग चुकी थी। वे कई कई घंटे वीडियो गेम्स खेला करते थे। उनके पास वीडियो गेम का PlayStation 3 था, जिसमें वो वीडियो गेम खेला करते थे। क्लास 12th में टॉप करने के बाद रणबीर को ये क्लियर नहीं था कि एग्जैक्टली उन्हें आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि उस समय उनके कई रिलेटिव्स व दोस्त इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो रणबीर ने भी लोगों की देखा देखी BE इन इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन करने के लिए द्वारकादास जे सांगवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। लेकिन कॉलेज में आने के बाद एक नए माहौल ने उन्हें एकदम बदल के ही रख दिया। कॉलेज में उनकी दोस्ती ऐसे लड़कों से हो गई जो कि ड्रिंक करना, ड्रग्स लेना, क्लास बंक करना आदि को स्वैग समझते थे। तो ऐसे दोस्तों के साथ रहने की वजह से रणबीर को भी शराब व सिगरेट पीने की लत लग गई थी। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में तो ऐसी हालत थी कि रणबीर जब तक दिन में 2-3 बार ड्रिंक व 5-7 सिगरेट नहीं पी लेते थे, उनका दिन ही नहीं कटता था। इसी बीच रणबीर का उनकी पुरानी गर्लफ्रेंड, जो कि क्लास 10th से उनकी गर्लफ्रेंड थी, के साथ बड़े ही गंदे तरीके, जैसे कि गाली गलौज, धक्का मुक्की के साथ ब्रेकअप हो गया। रणबीर एक इंटरव्यू में बताते हैं कि स्कूल की गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप होने के बाद उन्हें उनके ही कॉलेज की एक लड़की से बहुत ही बुरा वाला अट्रैक्शन हो गया था, जिसकी वजह से रणबीर पूरे पूरे दिन उस लड़की के पीछे पागल रहते थे। कॉलेज के बाहर उसका वेट करना, उसके साथ कॉलेज बंक मारना, ड्रिंक करना, स्मोक करना, कैफेज में घंटों घंटों बैठे रहना, ये सब रणबीर की आदत में आ चुका था। लेकिन ये सब रणबीर के एफर्ट व दीवानगी थी। लड़की तो रियल में रणबीर को अपने खर्चों के लिए यूज़ करती थी व फ्लर्ट किसी और से करती थी। जब रणबीर को इस बात का पता चला कि उनके साथ चीटिंग हो रही थी, तो वे पूरी तरह से डिसअपॉइंट हो गए। और बाय द लक उन्हीं दिनों रणबीर के कॉलेज के फर्स्ट ईयर का रिजल्ट भी आया, जिसमें रणबीर फेल हो चुके थे। अब रणबीर अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे। रणबीर की फैमिली में सभी IITs, IIMs व बड़े कॉलेज से ग्रेजुएट लोग थे, और उनकी फैमिली में फेल होना एक गुनाह जैसा था। रणबीर के माता पिता भी उनकी इस शराब व सिगरेट पीने की लत से पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। लेकिन रणबीर बताते हैं कि मेरे माता पिता एक पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति हैं। मैं जब उस दिन शराब पिए व फेल कर रिजल्ट लिए घर पहुंचा, तो मेरी माँ ने मुझे डांटने की बजाय मुझे बड़े प्यार से अपने पास बैठा करके बोला कि रणबीर, जो अच्छा लगता है तुझे लाइफ में तो वो कर, हम तेरे साथ हैं। रणबीर बोलते हैं कि उस दिन मैं सबसे ज़्यादा फूट फूट कर रोया था, और फिर उस दिन मैंने निर्णय लिया कि नहीं, अब बहुत हो गया, मुझे कुछ अच्छा करना है लाइफ में। रणबीर बोलते हैं कि बचपन से ही मुझे जॉन सीना व ब्रॉक लेसनर बहुत अच्छे लगते थे, और मैं हमेशा से ही उनकी तरह बॉडी बनाना चाहता था। इसलिए अगले ही दिन से मैंने जिम ज्वाइन कर ली, और ये स्टेप मेरे लाइफ का सबसे लाइफ चेंजिंग स्टेप साबित हुआ। रणबीर बोलते हैं कि मेरी सारी गंदी लतें अपने आप ही कम होने लग गईं, क्योंकि जब आप अच्छी बॉडी बनाना चाहते हो तो ये उसकी पहली डिमांड है कि आपको ड्रिंक नहीं करना, स्मोक नहीं करना, अनहेल्दी नहीं खाना, और धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाता है। क्योंकि रणबीर को अपने नशे की लत से ज़्यादा जिम व एक्सरसाइज की लत लग चुकी थी, इसलिए जिम जाने के कुछ ही महीनों बाद ही रणबीर की अच्छी खासी बॉडी बन चुकी थी, और वे अपनी गलत आदतों को लगभग छोड़ चुके थे। वो कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। जब रणबीर की गलत आदतें छूटी, तो उनका दिमाग नई नई क्रिएटिव चीज़ें सोचने लग गया। उन्हें लोगों को जिम में ट्रेन करने में मज़ा आता था, इसलिए वे एक जिम ट्रेनर बन गए। वह धीरे धीरे जिम ट्रेनिंग में रणबीर का अपने आसपास के इलाके में काफ़ी नाम हो गया। रणबीर बताते हैं कि वे दिन थे जब मेरे फ्रेंड्स व रिश्तेदार मुझ पर हंसते थे कि देखो देखो, रणबीर इंजीनियरिंग करके जिम ट्रेनर बन गया। जिम ट्रेनर बनने के कुछ दिनों पहले ही रणबीर ने यूट्यूब पर बियर बाइसेप के नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया था। ये बताते हैं कि जब मैंने यूट्यूब पर वीडियो डालनी स्टार्ट की थी, तब उनके पास एक पुराना फ़ोन था जिससे वे वीडियो रिकॉर्ड किया करते थे, वह एक पुराना लैपटॉप था जिससे वे एडिट करके अपलोड किया करते थे। लेकिन उन्हीं दिनों
रणवीर ने सोचा कि जब मेरे पास फिटनेस की इतनी अच्छी नॉलेज है ही, तो क्यों नहीं मैं इसे यूट्यूब पर लोगों के साथ फ्री में शेयर करूँ। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कैमरा, जो कि 38,000 का था, जिसे रणवीर को इसके लिए बाय करना था, लेकिन रणवीर के पास इतने पैसे थे नहीं। रणवीर बताते हैं कि उस दिन मैंने अपना सबसे बड़ा फैसला लिया कि मुझे अपने वीडियो गेम का प्लेस्टेशन 3 बेचना है इस कैमरे के लिए, और फिर मैंने 7,000 रुपये में अपने वीडियो गेम का प्लेस्टेशन 3 बेच दिया, लेकिन अभी भी उसके लिए 31,000 कम पड़ रहे थे। लेकिन रणवीर ने लोगों को पर्सनल ट्रेनिंग देकर रुपये इकट्ठे किए, वह कैमरा व अन्य इक्विपमेंट बाय किया फिटनेस की वीडियोज़ बनाने के लिए। रणवीर बताते हैं कि उन दिनों मैं चाहता तो अपने पेरेंट्स से भी पैसे की हेल्प ले सकता था, लेकिन यह बात मेरे दिमाग में कभी आई ही नहीं, क्योंकि जब आप अपने काम में अपने पेरेंट्स की हेल्प लेते हो तो आप अपने काम के प्रति कम सीरियस हो जाते हो, जिससे रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आते जितने आप चाहते हैं। रणवीर बताते हैं कि उन दिनों मैं सुबह 9:30 बजे सोकर उठता, फिर 10 बजे से लेकर 2 बजे तक वीडियो शूट करता, फिर 2 से 4 उस वीडियो को एडिट करता, फिर लगभग 4 बजे जिम के लिए जाता, वो 5:30 बजे दादर से, जहाँ की मेरी जिम थी, वहाँ से अंधेरी के लिए लोकल ट्रेन से रवाना होता, फिर 6:30 से 9 बजे तक लोगों को जिम में ट्रेन करता, फिर 9 से 10 एक घंटे का बीच में गैप लेकर बाहर सड़कों में जाकर बियर बाइसेप को 1 घंटे तक प्रमोट करता, फिर 10 बजे वापस जिम में आकर अपने लास्ट क्लाइंट तन्मय को 11 बजे तक ट्रेन करता, फिर रात को घर के लिए निकलता, वह लगभग 12 बजे घर पहुँचता, और घर में जाकर रात में फ्रेंड्स व फैमिली के साथ रोज़ बस इसी बात पर बहस होती कि जब तुम्हें ट्रेनर ही बनना था तो इंजीनियरिंग क्यों की, इसमें करियर नहीं है, तुम बाद में पछताओगे, तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे, वगैरह वगैरह। और कुछ महीनों तक यही चलता रहा। फिर कुछ महीनों बाद रणवीर अपनी पर्सनल ट्रेनिंग से इतना कमा लेते थे कि वे अब वीडियो शूट व एडिटिंग के लिए किसी को हायर कर सकते थे। तब रणवीर ने 200 रुपये पर शूट के हिसाब से एक कैमरामैन राजस को हायर किया, जो कि उन्हें एक फ्रेंड्स के कॉन्टेक्ट से मिला था। रणवीर कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल अपने नॉर्मल रूटीन से चिपके रहते हैं, वे रोज़ अपने ऑफिस जाते हैं, घर वापस आते हैं, और घर आकर ज़्यादा से ज़्यादा अपने आगे के प्रमोशन के लिए थोड़े बहुत MBA की पढ़ाई कर लेते हैं। उनके अंदर अलग रास्ता चुनने की हिम्मत नहीं होती, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वे फेल होने के डर, रिस्क आदि को बर्दाश्त कर सकें, और सिर्फ यही एक रीज़न है जिसकी वजह से रिस्क लेने वाला इंसान सर्वाइव करके विनर बन जाता है। रणवीर कहते हैं कि उस समय मैं ट्रेनिंग से अच्छा अर्न कर लेता था, लेकिन जब आप लगातार कड़ी मेहनत व अच्छा काम करते हो तो भगवान जरूर किसी न किसी ऐसे इंसान को आपके पास भेजता है जो कि आपकी तरह ही मेहनती व सफलता पाने के लिए जीतोड़ मेहनत कर सकता है, और मेरे पास भगवान ने ऐसा इंसान भेजा राजस के रूप में। ये वही राजस है जो शुरू में 200 रुपये पर शूट पर वीडियो शूट करता था। ओवर द टाइम राजस भी रणवीर की तरह ही बियर बाइसेप को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करने लगा, जिसकी वजह से रणवीर व राजस बियर बाइसेप के पार्टनर बन गए। रणवीर व राजस वीक में 2 बार थर्सडे व संडे को वीडियो अपलोड करते थे, जिसमें संडे को लाइफ हैक्स यानी कि लाइफ इंप्रूवमेंट के ऊपर वीडियोज़ हुआ करती थी व थर्सडे को फिटनेस वीडियोज़ हुआ करती थी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने यह थी कि मोस्ट ऑफ द लाइफ हैक्स एंड फिटनेस वीडियोस लगातार फेल हो रही थी, यहाँ तक कि वीडियोस पर 10,000 व्यूज भी नहीं आ पा रहे थे। जब काफ़ी लंबे समय तक यही चलता रहा तो रणवीर और राजस का मोटिवेशन थोड़ा कम हो गया। जीवन के हर एक स्टेप में, मोस्टली इन बिजनेस, आपके पास हमेशा 2 चॉइसेस होती हैं कि आपको पुराने ट्रेडिशनल रास्ते पर चलना है या फिर लाइफ में रिस्क लेना है, दोनों में ही आपकी मर्जी होती है। जब फिटनेस व लाइफ हैक्स की वीडियोस लगातार फेल हो रही थी, तब राजस व रणवीर ने बियर बाइसेप क्विट करने का सोचा, क्योंकि उन पर बहुत ही ज़्यादा फैमिली का प्रेशर आ रहा था। लेकिन दोनों ने एक और बार लास्ट ट्राई करने का सोचा, और इस बार उन्होंने फिटनेस व लाइफस्टाइल वीडियो सेट कर मेंस स्टाइल एंड फैशन पर पूरे 1 घंटे की वीडियो बनाई, और इस बार उनकी मेहनत काम आई। जब मेंस स्टाइल एंड फैशन वाली वीडियो ने सिर्फ 7 दिनों में 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज क्रॉस कर दिए, और यह वीडियो हमेशा से ही बियर बाइसेप की मोस्ट सक्सेसफुल वीडियो रही है। इस वीडियो की वजह से रणवीर एवं राजस को मोटिवेशन मिला व बियर बाइसेप चैनल को नया डायरेक्शन मिला। अब इन दोनों के लिए एक नया रास्ता खुल चुका था कि बियर बाइसेप पर मेंस फैशन एंड ग्रूमिंग की वीडियोस भी डालनी है, जिसकी वजह से बियर बाइसेप की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई, जो कि कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। आजकल तो रणवीर एवं राजस बियर बाइसेप पर लंबे लंबे पॉडकास्ट डालते हैं, जिसमें भी रणवीर अपने चैनल पर सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, जिससे लोगों को उन सक्सेसफुल लोगों की लाइफ के बारे में पता चलता है, और लोग को ये भी पता चलता है कि वो भी कैसे उन सारे नियमों और रूल्स को अपना करके सक्सेसफुल हो सकते हैं।
रणबीर अलावदिया का जो सेकेंड मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑक्यूपेशन या आप कह सकते हैं कंपनी है, वो है मोंक एंटरटेनमेंट। मोंक एंटरटेनमेंट बेसिकली एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है जिसमें लगभग 30 से 35 लोगों की एक टीम है। मोंक एंटरटेनमेंट की स्टोरी यह है कि रणबीर व उनके एक दोस्त विराज ने सबसे पहले छोटे यूट्यूबर्स को मैनेज करना शुरू किया था, जिसमें वो उनकी यूट्यूब वीडियो की शूटिंग, एडिटिंग व प्रमोशन किया करते थे। लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि बड़े यूट्यूबर्स को भी यही सपोर्ट चाहिए, तब उन्होंने बड़े यूट्यूबर्स के यूट्यूब चैनल व वीडियोज़ को भी मैनेज करना शुरू किया। लेकिन बाद में उन्होंने पाया कि ब्रांड्स को भी अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन व उनके सोशल मीडिया पेजेस हैंडल करने के लिए डिजिटल मार्केटर की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए तब उन्होंने राजेश को भी अपने कंपनी का पार्टनर बनाया व यूट्यूब के साथ साथ कंपनीज को भी मैनेज करना शुरू कर दिया। मोंक एंटरटेनमेंट में यूट्यूबर्स के लिए उनकी वीडियो शूट करना, एडिट करना, प्रमोट करना व उनके लिए ब्रांड्स डील लाना, ब्रांड्स के साथ बार्गेनिंग करना, डील को क्रैक करना आदि शामिल होता है, जिसका वे एक फिक्स अमाउंट चार्ज करते हैं। ऑन द अदर हैंड, ब्रांड्स के लिए मोंक एंटरटेनमेंट में ब्रांड्स के प्रोडक्ट के हिसाब से सही यूट्यूब चैनल के साथ उनके डील करवाना, ब्रांड्स के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन आदि को मैनेज करना आदि शामिल होता है। मोंक एंटरटेनमेंट एक फास्टली प्रॉफिटेबली ग्रोइंग कंपनी है। इसी ग्रोथ की वजह से ही रणवीर ने रिसेंटली एक बड़ा ऑफिस मुंबई में लिया है। रणवीर व उनकी कंपनी में मेडिटेशन करने का एक कल्चर है, क्योंकि कंपनी के सभी कोर मेंबर मेडिटेट करते हैं और यही रीज़न है कि उनके कंपनी का लोगो एक मेडिटेशन करता हुआ बंदर है। मोंक एंटरटेनमेंट का नाम ये इसलिए पड़ा क्योंकि मोंक यानी साधु, जो कि मेडिटेशन व पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, व एंटरटेनमेंट इसलिए क्योंकि वे मीडिया इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। मोंक एंटरटेनमेंट के ऑफिस में 3 लोखंड के मोटरसाइकिल भी हैं, जो कि कंपनी के 3 को फाउंडर रणबीर अलावदिया, विराज शेख व राजेश को रिप्रेजेंट करते हैं। रणबीर का यूट्यूब पर रणबीर अलावदिया के नाम से एक और चैनल है, जिस पर वे फैशन, लाइफ स्टाइल, फिटनेस, मनी एंड एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड वीडियो डालते हैं। तो आज रणबीर दो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जिसमें उनकी 40 से 50 लोगों की टीम है और आज महीने के लाखों रुपए कमाते हैं। तो ये थी रणबीर अलावदिया की अब तक की लाइफ की स्टोरी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि हाँ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।